टॉपिक इज अबाउट माइटोसिस फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन माइटोसिस सेल डिवीजन की एक टाइप है कि सेल किस तरह से डिवाइड होता है इन विच अ सेल डिड्स इंटू टू डॉटर सेल्स एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज वर प्रेजेंट इन देरेंट सेल अब जो डॉटर सेल्स हैं वो एक सेल के हाफ्स हैं कि एक सेल दो में डिवाइड हो रहा है तो लेकिन क्या है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन डॉटर सेल्स डॉटर सेल्स के अंदर भी उतने ही क्रोमोसोम्स हैं जितने पेरेंट सेल में मौजूद हैं एज फॉर एग्जाम्पल कि मैन का डीएनए अगर हम लें तो उसके अंदर होते हैं फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम्स तो अगर हम माइटोसिस में देखें तो अगर एक सेल दो में डिवाइड हो रहा है इसका मतलब कि ट्वेंटी थ्री एक सेल में आ जाएंगे और ट्वेंटी थ्री एक सेल में आ जाएंगे लेकिन क्या है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं कि अगर फोर्टी सिक्स पेरेंट है में है तो फोर्टी सिक्स ही डॉटर सेल में होंगे दोनों डॉटर सेल्स में 46 होंगे ठीक है माइटोसिस को एक जर्मन बायोलॉजिस्ट वॉल्दर फ्लेमिंग ने डिस्क्राइब किया था जब उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि एक सेल जो डिवाइड हो रहा है उसके अंदर जो उसका मेजर सेंट्रल पोर्शन है जो सारे सेल को कंट्रोल करता है दैट नेम इज़ न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस है वो सीरीज़ ऑफ़ चेंजेस से गुजरता है उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हैं न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मटीरियल भी है तो न्यूक्लियर मटीरियल की चेंजेस न्यूक्लियस की चेंजेस होंगी तो न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस होती हैं उसकी वजह से सेल डिवाइड होता है उसको कहते हैं माइटोसिस माइटोसिस ओनली इन यूक्रियोटिक सेल्स माइटोसिस सिर्फ यूक्रियोटिक सेल्स में होती है उसकी क्या वजह है कि माइटोसिस जो यूक्रियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियर पोर्शन है वो डेफिनेट है किस वजह से उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से और जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो भी असेंबल्ड होता है ठीक है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सोमेटिक सेल्स हैं उनमें माइटोसिस होती है हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ह्यूमंस मैन तो क्या है जो सोमेटिक सेल्स वो सेल्स हैं जो हमारे जिसम बनाते हैं ठीक है बॉडी सेल्स उनको कहा जाता है उनमें होती है माइटोसिस प्रोक्रियोटिक सेल्स अंडर गो अ प्रोसेस सिमिलर टू माइटोसिस अब यूक्रियोटिक सेल्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि उनमें माइटोसिस होती है अब प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक का आपको डिफरेंस पता होगा प्रोक्रियोटिक में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर uh, मटीरियल है वो इनडेफिनेट होता है और उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इनडेफिनेट होती है जिसकी वजह से उनमें माइटोसिस नहीं होती उनमें माइटोसिस की तरह का एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है बाइंडी फिशन फिशन मीन्स टूटना ब्रेकअप एंड बाइनरी मीन्स इंटू टू ठीक है कि एक सेल दो में टूट जाता है डिवाइड नहीं होता टूट जाता है उसको कहते हैं बाइनरी फिशन ठीक है इसलिए उनके अंदर प्रॉपर माइटोसिस नहीं होती क्योंकि उनके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो इनडेफिनेट है उसकी इनडेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से दी प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज कम्प्लेक्स एंड हाईली रेगुलेटेड अब देखें कि बाइनरी फिशन और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है? है तो यही कि एक सेल दो में डिवाइड हो रहा है लेकिन इसका ताल्लुक है कम्प्लेक्सिटी से जो बाइनरी फिशन है वो कम्प्लेक्स नहीं है लेकिन जो माइटोसिस है वो कम्प्लेक्स है क्योंकि ये यूक्रियोटिक सेल्स में होता है माइटोसिस और यूक्रियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस भी डेफिनेट मौजूद है जब न्यूक्लियस मौजूद है तो न्यूक्लियस की भी डिवीजन होगी साइटोप्लाज्म की भी डिवीजन होगी तो इस तरह से दो फेजेस में ये माइटोसिस चला जाता है इसलिए ये जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है अब दो फेजेस है हमारे पास एक न्यूक्लियर डिवीजन है और एक साइटोप्लाज्म डिवीजन है एक सेल के दो हिस्से होते हैं ना एक साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द और जो सेंट्रल पोर्शन है वो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के डिवीजन को कहेंगे कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को कहेंगे साइटोकाइना डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस नॉन एज कैरियोकाइनेसिस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नॉन एज साइटोकाइनेसिस अब कैरियोकाइनेसिस क्या है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हमने देख ली है अब कैरियोकाइनेसिस क्या है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस किस तरह से होती है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस दी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू फोर फेजिज आगे जो न्यूक्लियर डिवीजन है उसके भी फेजेज हैं ठीक है स्टेप बाय स्टेप डिवीजन होती है न्यूक्लियर मटेरियल है उसने नेक्स्ट uh, जनरेशन को कैरी ऑन करना होता है तो ये ज़रा कम्प्लेक्स प्रोसेस है स्लोली होता है ठीक है चार फेजेस हैं एक है परोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड एना टीलोफेज एन ये हो गए न्यूक्लियस की डिवीजन के फेजेस सोमेटिक सेल्स आर दोज विच फॉर्म बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमने पीछे पढ़ा था ठीक है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में माइटोसिस सिर्फ सोमेटिक सेल्स में होती है ठीक है सोमेटिक सेल्स आर दोज विच फॉर्म द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जबकि जर्म लाइन सेल्स हैं आर दोज विच राइज टू गैमीट्स गैमीट्स क्या है जो न्यू जनरेशन बनाते हैं फर्टिलाइजेशन कैरी करते हैं ठीक है थीके? जर्म लाइन सेल्स आर दो विच गिव राइज टू गैमीट्स और ये गेमीट्स कहाँ बनते हैं ये प्रोसेस क्या है ये है म्योसिस का प्रोसेस मल्टी सेलुलर म्योसिस का प्रोसेस होता है जर्म लाइन सेल्स में ठीक है सोमेटिक सेल्स अंडरगो माइटोसिस वाइल जर्म लाइन सेल्स अंडरगो मियोसिस इट्स ओवर थैंक यू